हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको आज जो मेरे एक प्रिंटर है, आपके पास भी अगर ये प्रिंटर है, HP इंक टैंक 319, ठीक है। अगर इसमें आपका E3 एरर आ रहा है, E3 एरर, यहाँ पर ये दो लाइटें ब्लिंक कर रही है, एक यहाँ पर ये कर रही है और एक ये कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर कंटिन्यू जो है पावर बटन ऑन है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपका जो ये एक हेड प्रॉब्लम होता है, अब ये हेड को कैसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें क्या आपका प्रिंट नहीं आता है, ठीक है। प्रिंट देते हैं बार बार लेकिन ये एरर आता रहता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये आप इसको कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले जो फ्रंट है इसका, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद आप इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका हेड है उसको आप लेके आएंगे, ठीक है। अगर साइड में है तो उसको बीच में ले लेंगे, यहाँ से इसको आप ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आ गया और यहाँ पर सेंटर में इसको कर लेते हैं। एक तो इसमें क्या क्या इशू आ सकता है, या तो आपका जैसे अभी ये खुला हुआ है, अगर ये ओपन है तब ये दिखाएगा, तो इसको आप इस तरह से क्लोज कर देंगे, ठीक है। या फिर आपका हेड में ये प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाली और जो प्रॉब्लम है आपके हेड में इशू है, प्रिंटर जो हेड है, प्रिंटर हेड ब्लैक एंड कलर में अगर इशू है, तो आप यहाँ से उसको कैसे सही करना है, ठीक है। वो परमानेंट जो है प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने प्रिंटर हेड को निकाल देना है, इसको आपको प्रेस करना है नीचे की तरफ और ये इस तरह से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, तो इसको क्या करना फ्रेंड्स, आप जो है कोई भी एक अच्छा कॉटन लेकर के, और मॉइस्चर ज़्यादा यूज ना करें, पानी वगैरह यूज ना करें। अभी जैसे आप हरी में जैसे सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, सैनिटाइजर बेस्ट है क्योंकि उसमें मॉइस्चर कम रहेगा। तो ये जो पीछे पीछे डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला आपको साफ करना है, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए ये पूरी प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है, और आप इसको यहाँ से भी फेस को आप साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं प्रिंटिंग हेड को, ठीक है। ये अपना जो है कनेक्टिविटी पॉइंट है। अब आपको सामने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं नज़दीक कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आप सैम, ये सैम डॉटेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये डॉटेड इन डॉटेड से के साथ में जो है मैच होता है, ठीक है। ये वाले डॉटेड, ये वाले डॉटेड इस वाले डॉटेड के साथ में कनेक्ट होता है। अगर ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं होंगे तो आपका जो है प्रिंटर में प्रॉब्लम आती है, तो इसको आप जो प्रॉपर आप जो है साफ कर लें, इसको भी आप कॉटन से साफ कर लें, और इसको भी आप यहाँ पर इसको भी क्लीन कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स ऐसे ही आपको कलर वाले को उसको भी नीचे की तरफ प्रेस करना है, ये आगे प्रेस करते ही ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम वही है कि यहाँ पर ये जो है ये वाले डॉटेड, इसको आप जो है कॉटन लेकर के और भी सैनिटाइजर में उसको थोड़ा सा कॉटन को गीला करके और इसको क्लीन कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद आप जो मेन जो उसका कनेक्टिविटी पॉइंट है, ये सेम ऐसा ही है इसका भी, इसको भी आप यहाँ से कॉटन से क्लीन कर लें। ये डॉटेड दिखाई दे रहे हैं कि ये जो डॉटेड हैं, ये कनेक्टिविटी डॉटेड हैं, ये जब उसमें अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आपका जो है कमांड पूरी नहीं जाएगी, और कमांड तो पूरी जाएगी लेकिन प्रिंटिंग के लिए वो कमांड प्रॉपर नहीं दे पाएगा और वो प्रिंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो एरर शो करेगा, E3 एरर शो होएगा। तो इस तरह से आप इसको क्लीन करके नीचे से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं, कॉटन का आप कपड़ा ले सकते हैं और उसको ठीक है गीला करके और आप इसको यहाँ से दोनों जगह से उसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद वापस इसको लगा लेंगे, ऐसे आप इसको इस तरह से वापस डालेंगे। यहाँ से आप इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे और इसको ऐसे आराम से इजीली ये इसमें
जैसे देखो ये यहाँ पर डाला और इसको ऊपर की तरफ इसको प्रेस करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। इसी तरह आप जो है ब्लैक वाले को जो है हम कर डालेंगे यहाँ पर, ये ब्लैक पॉइंट हो गया। आपको जैसे आपने निकाला है ब्लैक को ब्लैक में, कलर को कलर में, ठीक है, और इसको प्रेस कर देंगे। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे, आप नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे और लॉक कर देंगे। दोबारा दबाएंगे तो वापस अनलॉक हो जाएगा। आपको एक बार ही दबाना है फुल और इसको छोड़ देना है। उसके बाद इसको ड्रैग करके साइड में आप सेट कर देंगे, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं, इसको बंद कर देंगे, अंदर का जो इनसाइड कवर है उसको बंद कर देंगे, ठीक है। आउटसाइड कवर है उसको भी बंद कर देते हैं। अब आपके सामने जो है प्रिंट करके देखते हैं कि कोई एरर आता है। उसके बाद आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर अभी जो आ रहा है इसको वापस से दबाएंगे, ठीक है। ये अभी जीरो हो गया, रेडी हो गया मतलब। अभी मैं कोई भी प्रिंट करके देख लेता हूँ, अभी ये सब कलर का प्रिंट में है, निकाल के देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल रखेंगे और ये पेपर लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैं जो है प्रिंट दे देता हूँ, ठीक है, प्रिंट दे दिया है। यहाँ पर मशीन जो है रेडी हो रही है, सेटअप हो रहा है। तो यहाँ पर ये फ्रंट जो है पेपर अंदर चला गया है और प्रिंट होना शुरू हो गया है। देखो यहाँ पर ये प्रिंट होकर के आ गया है, ये प्रिंट जो है निकल के आपके सामने आ गया है, ठीक है। तो प्रिंट इस तरह से, ये अब मैं कलर वाला भी प्रिंट डाल के देख लेता हूँ। कलर के लिए इसको वापस डाल देता हूँ और अब मैं कलर वाला प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये कलर के लिए प्रिंट हो रहा है, ये कलर वाला प्रिंट टेस्ट। तो इस तरह से जो आपका एक ही प्रॉब्लम है वो परमानेंट सॉल्यूशन उसका ये है। देखो कलर प्रिंट बिल्कुल सही आया है, एकदम ओके है, ठीक है।